नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लव जिहाद के मसले पर सरकार चाहे जितनी अलर्ट रहे, मगर ये मामले हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में एक डॉक्टर ने पहले 4 निकाह किए, फिर पश्चिम बंगाल की हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे भी शादी की, बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाकर दोबारा निकाह किया। आरोप है कि इसके बाद अपनी ही नई नवेली दुल्हन को डॉक्टर पति टॉर्चर देने लगा, घर में सीसीटीवी लगाकर उसकी हर हरकत पर निगरानी रखने लगा। यही नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप भी किया। पीड़िता अब इस मामले में न्याय मांग रही है। देखिए अय्याश डॉक्टर की दरिंदगी की रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद में एक सनसनीखेज लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक चिकित्सक पर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर आधा दर्जन शादियां करने का आरोप लगाया गया है। गंगो थाना क्षेत्र के निवासी एक चिकित्सक जिसका नाम अहबर हुसैन है और वो देवबंद में बेबी केयर हॉस्पिटल के नाम से एक क्लिनिक चलाता है। आरोप है कि आरोपी चिकित्सक ने लगभग आधा दर्जन युवतियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे फर्जी तरीके से शादी की है। आरोप है कि अहबर हुसैन ने कलकत्ता निवासी एक हिंदू युवती से फर्जी तरीके से अपना हिंदू नाम अमन दीक्षित बताकर पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की और उसे देवबंद ले आया। महिला ने चिकित्सक अहबर हुसैन पर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि अहबर हुसैन लगभग 4 वर्ष पूर्व कलकत्ता से उसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करके देवबंद ले आया और उसे देवबंद में एक मकान में कैमरा लगा कर रखा। महिला ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जब बाद में उसे चिकित्सक के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो महिला ने उसका विरोध किया। उसके बाद महिला को घर में बंद कर अपने साथियों के साथ डॉक्टर ने उसके साथ बलात्कार भी किया। महिला ने सोमवार को पहले एसएसपी कार्यालय और उसके बाद देवबंद में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी के साथ देवबंद सीओ से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। आपका नाम? अनिमा। कहाँ के रहने वाली हो? कलकत्ता। कलकत्ता की, क्या घटना हुई आपके साथ में? यहाँ का एक बंदा मुझे हिंदू बन के शादी करके मुझे यहाँ ले गए, बिल्कुल रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से शादी करके मुझे लेके आए। यहाँ आने के बाद मुझे कैमरा में, मतलब कमरा में कैद करके रखा था, मुझे कैमरा लगा के कैद करके रखा। रखने के बाद बस कुछ दिन गया है, कुछ दिन बाद देखा कि मेरे ऊपर बहुत, मतलब अत्याचार कर रहे थे, जो खाना पीना भी नहीं देने, टाइम से मतलब कुछ नहीं देने की, ऐसा। कौन लोग था? बाद में पता चली कि वो मतलब डॉक्टर अहबर हुसैन है, यहाँ की मतलब देवन की डॉक्टर है। जो आपसे हिंदू बोलकर शादी की, क्या नाम था उनका, किस नाम से शादी की? उन्होंने अमन दीक्षित बोल के वहाँ पे शादी करके लेके आए थे, अमन दीक्षित। अब क्या चाहते हो आप एसएसपी से मिले हैं आप, क्या उन्होंने कहा है? कोई तो कुछ नहीं किया था, पहली तो मैंने बहुत एप्लीकेशन दे चुकी हूँ यहाँ पे भी और सहारनपुर में भी, कुछ भी नहीं मिला था। मैं तो ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे इंसान मिले, उसे जेल भेजना ही नहीं तो हमारे हाथ में उठा दे, हम तो जलाएंगे उसे। हमें बहुत ज्यादा ही दुख दिया है उन्होंने, घर में कैद भी किया था, गलत काम भी किया था उन्होंने मेरे साथ, लोगों को देखे। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है महिलाओं नहीं चल पाने के। आपका नाम? विकास त्यागी, पूर्व प्रांत संयोजक बजरंग दल। त्यागी, आपके प्रकरण में क्या जानकारी, क्या प्रकरण आया है? देवबंद का के अंदर कोई डॉक्टर रहता है जो गंगो का रहने वाला है, उसने लव जिहाद के एक झूठे प्रेम में महिला को कोलकाता से फंसाया है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसने वहां शादी की है। इनके पास पूरी फुटेज, वीडियो, फोटो वगैरह इनके पास सब है और उस पीड़ित महिला को इसने अपने घर में बंधक बनाकर यहाँ रखा, देवबंद में वो रह रहा है। पूरा प्रकरण संज्ञान में आया, अधिकारियों को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर को जो है जेल भेजा जाना चाहिए और उसका पूरा क्लिनिक जो है सील किया जाना चाहिए। तो आपकी जानकारी में कितनी शादियां हैं इसकी, जो ये बता रहे हैं कि 2 बीबियां तो अभी यहाँ साथ में इसकी हैं, एक पहली पत्नी और एक ये जो हिंदू महिला है एक ये, और ये बता रही है कि 3 शादियां इस डॉक्टर ने और की हुई है, कोई देहरादून में रहती है कोई, और एक गंगो में रहती है और कोई एक और यही देवबंद में रहती है। 5 शादियां ऐसे अभी बता रही हैं, पूरे प्रकरण से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। वहीं इसी हिंदू महिला के साथ चिकित्सक की पहली पत्नी और उसके परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। बताया गया है कि आरोपी चिकित्सक लगभग आधा दर्जन महिलाओं को फर्जी प्रेम जाल में फंसा कर अपना शिकार बना चुका है। आपका नाम? फौजिया। कहाँ के रहने वाले? सरसावा। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरी शादी डॉक्टर अहबर से हुई थी, उसने मुझे छोड़ दिया अब से 4 साल पहले। मेरे 2 जवान बच्चियां हैं और उसने दोबारा आके देखा भी नहीं, मुझे फोन करता था मैं तुझे लेने आऊंगा, ये करूंगा, मैं इंतजार करती रही लेकिन कभी नहीं आया। 13 साल पहले हुई थी मेरी शादी। हाँ जी। अब डॉक्टर बता रहे हो, कहाँ के डॉक्टर हैं? वो देवबंद में ही रहता है।
अच्छा। डॉक्टर आए यहीं पे बेबी केयर हॉस्पिटल में। कितनी शादियां कर चुका आप? वो शादियां 5 कर चुका जो मुझे जानकारी में, और बिना जानकारी के कुछ पता नहीं कितनी शादियां कर ली होंगी उसने अब तक। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जेल जाए। पुलिस के पास कहीं कोई इसमें अब तक मदद हुई आपकी? नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं था, इसलिए मैंने कोई पुलिस में कोई कार्रवाई कुछ नहीं की। मुझे भी मालूम हुआ कि उसने दोबारा हिंदू लड़की से शादी कर ली। अच्छा, मैं कौन थी काफी थी? कौन जो बता रहे हिंदू लड़की कौन है? अनिमा है, वो कोलकाता की है। हाँ जी। इसके अलावा इस मसले पर सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि एक महिला के द्वारा थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर में महिला के द्वारा आरोपी एक चिकित्सक पर दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला की तहरीर पर आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक चिकित्सक ने कोलकाता से महिला से महिला को लाकर के शादी किया, उससे हिंदू रीति रिवाज से। क्या पूरा मामला है? आज थाना देवबंद पर एक महिला जो कि मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है, वो उपस्थित होकर उन्होंने थाना देवबंद पर तहरीर दी, जिसमें उन्होंने एक चिकित्सक जो कि कस्बा देवबंद के ही रहने वाले हैं, उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपने आप को बताकर धोखाधड़ी से उनके साथ शादी की है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ साथी हैं, उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म भी किया है। उनकी तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य का संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी इसमें साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। देखा जाए तो बीते कुछ समय में देश के कई राज्यों में कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों के हिंदू महिलाओं से शादी करने की बढ़ती घटनाओं के आधार पर लव जिहाद से जुड़े कानून को जायज ठहराया गया है। वहीं ना जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी लड़कियां फिर भटक जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि सख्त कानून और सख्त सजा की ऐसी मसलों पर अंकुश लगा पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।